सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया यानी साइनोबैक्टीरिया के कोशिका के किस प्रकार की संरचना होती हैं, आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शैवाल यानी कि आपके एल्गी जो हैं वो मुख्य रूप से जलीय परिवेश में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि वो किसी पौधों के साथ जो है सहजीविता के रूप में जो है रहते हैं। अगर हम लोग इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें कि नील हरित शैवाल जिसे हम लोग साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी कहते हैं, तो इनमें जो है किस प्रकार से उनका सेल स्ट्रक्चर्स होता है आइए हम लोग जानते हैं। तो प्रत्येक कोशिकाओं के बाहरी म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का बना जो है क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सीथ होता है जो उनको चारों तरफ से क्या करता है, घेरे हुए रहता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं तथा लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। अगला है कि कोशिका द्रव में भोज्य पदार्थों के रूप में साइनोफाइसियंस स्टार्च यानी कि ये जब क्या करते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, ये जब अपना पोषक तत्व यानी कि भोजन को क्या करते हैं, स्टोर्ड करते हैं ना, तो किस फॉर्म में करते हैं, तो साइनोफाइसियंस स्टार्च के रूप में करते हैं, साथ साथ जो है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स के रूप में, उसके बाद प्रोटीन कणिकाओं के रूप में जो है ना यह ऑस्मोफिलिक बॉडीज के रूप में और मेटाक्रोमेटीन्स ग्रेन्यूल्स के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। आगे देखें कि परिधीय क्षेत्र में क्या होता है, सी फाइकोसाइनिन सी फाइको इराथ्रिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट युक्त जो है थायलाकोइड्स होता है जिसको क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी लैमिली यानी कि फोटोसिंथेटिक लैमिली की बहुलकता के कारण यह क्षेत्र वर्गीकृत क्षेत्र यानी पिगमेंटेड रीजन के रूप में परिलक्षित होते हैं। अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक महत्व के बारे में देखें यानी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, पहला हम लोग देखेंगे लाभदायक महत्व यानी यूजफुल इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो पहला हम लोगों का है ये कि जो आपके नॉस्टॉक हैं साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, यानी कि साइनोबैक्टीरिया का क्या क्या उदाहरण है, आपके नॉस्टॉक है, एनाबिना है, कैलोथ्रिक्स हैं, इसके साथ साथ जो है साइटोनीमा है आदि, पर्यावरण में मौजूद जो नाइट्रोजन को है ना नाइट्रोजन यौगिक में बदलकर जो है N2 स्थिरीकरण का काम करते हैं। कहने का मतलब कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया है जिसके अंतर्गत जो है नॉस्टॉक आते हैं, एनाबिना आते हैं, ऑस्लेरेरिया आते हैं, इनके साथ साथ जो है कैलोथ्रिक्स, आपका साइटोनीमा जो है, ये सब के सब क्या है, नील हरित शैवाल हैं यानी साइनोबैक्टीरिया है। तो होता क्या है कि ये क्या करते हैं, पर्यावरण में मौजूद जो है नाइट्रोजन है ना, इसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में फिक्स करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। लिखा हुआ क्या, वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल कर N2 स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, है ना। तो और क्या करते हैं, भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं, तो यह क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आगे देखें कि नॉस्टॉक जो हैं, एनाबिना हैं, उसके बाद साइस्टोनिमा है आदि के कुछ स्पीसीज जो होते हैं ना अनअपजाऊ यानी कि जो है इनफर्टाइल अल्कलाइन सॉइल को उपजाऊ जमीन में परिवर्तित कर देता है, यानी कि इनफर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। आगे है नॉस्टॉक कम्युनिटी जो है एक प्रकार के क्या हैं, स्पीसीज हैं नॉस्टॉक के, को उबाल कर जो है ना सूप के रूप में क्या किया जाता है, सूप के रूप में चीन में जो है पिया जाता है। अगला है कि आउलोसिरा फ्रिटिली इस्मा अम्बलीय प्रकृति के अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर देता है। अगला जो हमारा है वो है हानिकारक महत्व यानी कि इनके जो हैं क्या क्या आपके क्या हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया के या साइनोफाइसेंस के क्या हैं आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं, क्या हानिकारक महत्व है। तो साइनोबैक्टीरिया के कुछ जो है ना सदस्य क्या करते हैं, स्विमिंग पूल के फ्लोर के जैसे संगमरमर हो गए, टाइल्स हो गए, दीवारों के जो है प्लास्टर और पेरिस जो है ना यानी कि प्लास्टर्स पर क्या होता है आदि पर उगकर एवं उनके वृद्धि करके जो है क्या करता है, उनकी उपयोगिता को कम कर देता है, यानी कि वह उनको क्या कर देता है, फिसलनदार बना देता है। अगला है कि साइनोबैक्टीरिया के कुछ सदस्य जैसे आपके माइक्रोसिस्टिक हैं,
एना बीना है, आदि तालाब, झील, जल संग्राहक टैंक आदि में क्या करता है, अभिवृद्धि करके पानी को संदूषित का करने का काम करते हैं, जिसके कारण पानी के पीने की जो है ना गैस्ट्रिक बीमारियां वैसी विकसित होती हैं। आगे है माइक्रोसिस्टिक जो है ना, एना बीना है, आदि तेजी से वृद्धि करके तालाब, झील आदि के जल की सतह पर जो है ना अपनी स्थिति की एक मोटी परत निर्मित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ब्लूम कहते हैं। चूँकि ये ऑक्सीजन की कमी होने वाले भी जो है ना तेज़ी से वृद्धि करते हैं, चूँकि इनकी मोटी परत के कारण जो है ना क्या होता है, सबमर्ज्ड प्लांट्स जो होते हैं, जो पानी में डूबे हुए रहते हैं, तथा जलीय जंतु जो कहाँ है, पानी के अंदर पल बड़े रहते हैं, तथा क्या होता है, कालांतर में पानी से दुर्गंध आने लगती है, जैसे माइक्रोसिस्टिक जो है आपके टॉक्सिका की उपस्थिति जो है पानी को जहरीला बना देती है। और अगला है कि नगर निगम के जल छनन संयंत्र यानी कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो होते हैं कि फिल्टर में कुछ साइनोबैक्टीरिया विकसित होकर जो है ना उसे क्या कर देता है, खराब कर देता है यानी नुकसान पहुँचा देता है, जिससे क्या होता है, अत्यधिक आर्थिक हानि पहुँचती है।